सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच गुरुवार को खेले गए IPL के मुकाबले में एक ऐसा वाकया देखने को मिला जो 15 साल में कभी नहीं हुआ। क्या कंट्री के नाम से जाने जाने वाले CSK के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपना आपा खो बैठे। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई के सामने जीत के लिए 152 रन का लक्ष्य रखा था। पारी के आखिरी ओवर में CSK को जीत के लिए 18 रन की दरकार थी। ऐसे में अंतिम ओवर में रविंद्र जडेजा के साथ बल्लेबाजी कर रहे महेंद्र सिंह धोनी 56 रन बनाने के बाद स्टॉक्स की शानदार दौड़ पर हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की कोशिश में गोल हो गए। ऐसे में चेन्नई को जीत के लिए 3 गेंद में 8 रन की दरकार थी। इसके बाद जो स्टॉक्स ने सेंटर के सामने जो गेंद खेली वो गेंद नाचिए पर बन गया। स्टॉक्स ने सेंटर के सामने फुल दो गेंद खेली जिस पर उन्होंने शॉट खेलकर 2 रन डाल दिए। लेकिन इससे पहले सबको लगा कि ये बॉल नो बॉल है। अंपायर ने पहले तो इस गेंद को नो बॉल करार देने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन बाद में हाथ वापस खींच लिया। ऐसे में मैदान पर कंफ्यूजन पैदा हो गई। सबको लगा कि चेन्नई के लिए नो बॉल वरदान साबित होगी लेकिन जब मैदान में उपस्थित दोनों अंपायरों ने कहा कि ये नो बॉल नहीं है तो आग बबूला धोनी जडेजा और सेंटर का साथ देने मैदान में पहुंच गए थे।